गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? जोरदार। चले तो चालू कर रहे हैं। आज से हम अपना इनकम टैक्स का रिवीजन। दोस्त क्या बोलूं मैं इस सब्जेक्ट के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट। हर टीचर वैसे यहाँ आके यही बोलता है कि सर बहुत सिंपल है, पता नहीं हमारे ही मार्क्स ऐसे क्यों नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है, देखो हर टीचर यहाँ आके इसे बोलता है क्योंकि उस टीचर की उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है। क्लियर है? एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज एक्सपर्ट बनना पड़ता है, आठों सब्जेक्ट में या सातों सब्जेक्ट में हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और हो जाएगा। जब भी मैं इनकम टैक्स की बात करूं, मैं फिर से बता दूं, जैसे मैंने आपको कॉस्ट में बताया था, क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट ने 32 से 85 मार्क्स, फर्स्ट अटेम्प्ट 32 थे उसके, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब क्लासेस की क्रैश कोर्स की हमारे यहाँ 85 मार्क्स है। सेम इज द केस विद इनकम टैक्स ऑल्सो। इनकम टैक्स में एक स्टूडेंट थी जो पास नहीं हो पा रही थी, पिछले दो अटेम्प्ट से पास नहीं हो पा रही थी, उसके 80 मार्क्स आए क्रैश कोर्स, सिर्फ क्रैश कोर्स किया उसने हमारे यहाँ और 80 मार्क्स इशू शी कैन शो। उसके 42 थे, वो पास हो गई थी, एक अटेम्प्ट फेल हुई, एक अटेम्प्ट पास हुई, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने 80 मार्क्स लिया। तो मैं आपको बोला हूँ फिर से मैं कहीं से भी ये नहीं बोलना चाहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ वो दो महीने में वो स्टूडेंट कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं फिर से वही स्टूडेंट दो महीने में कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। बस अपन को फोकस चाहिए, अपन को डेडिकेशन चाहिए। जो तरीका मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आप ट्राई कीजिए पढ़ने का, घर जाके डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, सब हो जाएगा फिर आपका। क्लियर है? चलो तो चालू करते हैं। किसके साथ हम चालू कर रहे हैं? आज से हमारा पहला रिवीजन है और रिवीजन का टॉपिक क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्त इनकम फ्रॉम सैलरी में रिवाइज करूँ, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई इनकम टैक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय, अरे इनकम टैक्स छोड़ो, टैक्स क्या होता है पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? हाँ मल्टी प्रोसेसर नहीं, सिंगल प्रोसेसर है मेरा, तो एक जन बोलेगा तो मेरे को अच्छे से समझ में आएगा। कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, ये चीज कह रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट से कुछ सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ पक्का है, उम्मीद सिर्फ कर सकते हो, गारंटी देती है क्या गवर्नमेंट? कोई गारंटी नहीं देती। जैसे आप हमारे आए हैं, क्लासेस किए हैं, हमने आपको गारंटी दी है हम आपका सिलेबस कवर अप कराएंगे और आपसे हमने कुछ फीस ली, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा रिलेशन हुआ कि जहाँ पे आप सेवाएं लेने आए हम सेवाएं देने बैठे हैं और हम उसके बदले कुछ चार्जेस ले रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यही चीज गवर्नमेंट की बात करूं, बताओ गवर्नमेंट ऐसा होता है कि मैं गवर्नमेंट को पैसा दूं और गवर्नमेंट से बोलूं गवर्नमेंट जी मेरे सामने की सड़क ठीक नहीं है आप ठीक करवाइए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज क्या करती है, सभी सेक्टर्स में खर्चा करती है जितना जैसा उसको समझ में आता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है, टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, किसको किया जा रहा है? गवर्नमेंट को। ये चीज क्लियर है? अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है अंडर एनी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। दोस्त अंडर एनी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ बहुत जरूरी वर्ड है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया में अगर उसे टैक्स लगाना है तो लॉ होना चाहिए, अगर लॉ नहीं है तो इंडिया में टैक्स भी नहीं लग सकता। तुम समझे बात को कि नहीं समझे? दोस्त आप एक चीज बताओ, हफ्ता वसूली सुना है? क्या होता है हफ्ता वसूली में? हाँ एक गुंडा आता है, चाकू सामने रखता है, बोलता निकाल। पुलिस वाले भी कई बार करते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वो पुलिसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी में जो देखा मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हफ्ता वसूली में क्या होता है, भाई चाकू निकाला जाता है, ला भाई हफ्ता ला, तो तुम्हें भी नहीं लगता? गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है। इमेजिन करो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं मान लो गुंडा हूँ और मैं तुम्हारी दुकान में आया और चाकू दिखाया और हफ्ता ले गया, तो मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, भले ही मन में आए नहीं आए वो बात, मतलब आप करो या नहीं करें बात अलग है, लेकिन क्या ये एक्टिविटी लीगल है इलीगल है? इलीगल है, कन्फर्म है? हाँ गवर्नमेंट भी तो सालाना वसूली करती है, बस चाकू नहीं दिखाती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है ला भाई इनकम कमाई ना, ला भाई टैक्स ला, क्या आपको देना पड़ता है? वहां पे भी कंपलसरी है, हफ्ता वसूली में भी कंपलसरी था नहीं तो। हाँ और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, तुमसे सालाना वसूली कर रही है, तो मुझे ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? गवर्नमेंट जो कर रही है वो लीगल है और मैं जो कर रहा हूँ वो इलीगल है, क्यों? क्योंकि ये लॉ नहीं बना है भाई, सिंपल सा है फंडा है। इनकम गवर्नमेंट अगर टैक्स आपसे वसूल रही है तो उसके पीछे लॉ है, उसके पीछे लॉ है। इनकम टैक्स वसूल रही है, बकायदा गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? इनकम टैक्स एक्ट बनाया। जीएसटी वसूल रही है, बकायदा क्या बनाया है? जीएसटी एक्ट बनाया। ये चीज क्लियर है? तो भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो लीगल है क्योंकि उसके पीछे लॉ है, उसके पीछे एक्ट है। मेरे पीछे हफ्ता वसूली एक्ट है? नहीं। ऐसा कोई एक्ट बना है क्या इंडिया में? नहीं कि इसी हफ्ते में आप वसूली करने जा सकते हैं। हाँ ऐसे इन लोगों से आप वसूली कर सकते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हफ्ता वसूलने के लिए क्या? ऐसी कोई बातें है नहीं, तो इसलिए क्या नहीं है, मेरे पीछे लॉ नहीं है इसलिए मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ वो इलीगल है।
अगर कल सुबह उठते ही साथ नरेंद्र मोदी जी आए भाषण देने, भाइयों और बहनों आज से नरेंद्र मोदी टैक्स लागू, क्या वो लागू हो जाएगा? नहीं, पहले क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी एक्ट बनाना पड़ेगा। ये चीज कह रहे हैं, फिर जाके गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स लगा सकती है। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इनकम, तो हमारी बात इसकी है कि भाई इनकम पे क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला लॉ बनाया क्या? इनकम टैक्स एक्ट। कौन से ईयर का है? 1961। तो हम 1961 का एक्ट देखने वाले, इतना पुराना एक्ट है और इतने सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं हर साल, क्योंकि फाइनेंस एक्ट मतलब बेसिकली मनी से रिलेटेड एक्ट है, तो कुछ ना कुछ अपडेशन हर साल जरूरत है। ये चीज क्लियर है? चलो आइए। हाँ चले, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली बताइए कि कितने हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में? हम बात करते हैं तो कितने हेड्स हैं? पांच हेड्स हैं। पांच हेड्स बेसिकली क्यों बनाए गए? कैटेगरीज के कारण। पांच कैटेगरीज ऑफ इनकम बनाई गई है, जहां पे सबसे पहली कैटेगरी या सबसे पहला हेड क्या रखा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको पता है इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन कहां से कहां तक है? जल्दी बताओ। इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरी कहां से कहां तक के सेक्शन बिलोंग करता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, बोलो दोस्त, सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक। ये चीज कह रहे हैं। फिर दूसरे कौन से है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलो जल्दी, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक। इनकम फ्रॉम सैलरी 15 से 17, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बोलो पीजीबीपी, बोलो कितना है? 28 से सेक्शन 44 तक। ये चीज क्लियर है? टू बी मोर स्पेसिफिक 44D था। ये चीज क्लियर है? फिर नेक्स्ट बनाया गया सेक्शन कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये कौन से सेक्शन से? सेक्शन 45 से 55A तक। सेक्शन 45 से सेक्शन 55A तक। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हेड है, जिस इनकम का कोई नहीं उसका आधा सोर्सेस होता है। क्लियर है? तो कौन सा सेक्शन है? 56 से 59 था। ये चीज क्लियर है? तो सेक्शन 15 से चालू हुआ है पांचों हेड का सफर और कहां खत्म हो रहा है? 59 तक, जिसमें सैलरी के कौन से हैं? 15, 16 और 17। तीन ही सेक्शन है सैलरी के ऊपर और तीन ही सेक्शन में पूरा सैलरी निपटा दिया है गवर्नमेंट ने। ये चीज क्लियर है? तो कोई भी सैलरी पर्सन जिसकी जो इनकम डिराइव कर रहा है पर मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, तो उस केस में उसे कहां टैक्सेबल इनकम टैक्स देना है? कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 28 से 44D। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स 45 से 55A। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 से 59। बोलो आया क्या? क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जरा बताओ सेक्शन 15 जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, कोई भी पांच हेड में से जो भी पहला सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन, या चार्जिंग सेक्शन बोल लो, या ये चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या? मतलब क्या? हाँ, ये स्कोप डिफाइन करता है, ये स्कोप डिफाइन करता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आ सकती है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? जैसे आपके घर के सामने नेम प्लेट होती है, तो नेम प्लेट से क्या पता चलता है कि ये घर के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? आपके रिलेटिव्स और ये सभी आ सकते हैं। ये चीज क्लियर है? वैसे ये घर का, ये क्या है, हर हेड का पहला सेक्शन जो है वो उसका स्कोप डिफाइनिंग सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या आएगा। ये चीज क्लियर है? तो अगर मुझे लॉटरी से इनकम हुई, बोलो लॉटरी से इनकम हुई, क्या वो मेरी सैलरी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन? नहीं, वो मेरी अदर सोर्सेस इनकम है। ये चीज क्लियर है? वैसे अगर मुझे इनकम कहां से हो रही है, मैं किसी यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मुझे हर महीने पेमेंट आ रही है, तो वो कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी में टैक्सेबल होगी। मुझे रेंटल, मैंने ये प्रॉपर्टी किराए से ली है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ अपने लैंडलॉर्ड को, ये लैंडलॉर्ड जी बैठी है, मैं हर महीने इन्हें क्या चार्ज के पे करता हूँ रेंट, तो इनके लिए ये रेंटल इनकम कहां टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी में। ये चीज क्लियर है? देखो सेक्शन नंबर याद रखना अच्छी बात है, अगर याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, लेकिन प्रोविजन तो याद रखना ही है। क्लियर है? तो अगर मोटे मोटे सेक्शन नंबर याद रख लो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ सेक्शन नंबर, कैपिटल गेन के कुछ सेक्शन नंबर याद रख लिए, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? जितने हो पाए उतने याद रख लिए, लेकिन ज्यादा प्रेशराइज किसमें करना अपने आप को? प्रोविजन को याद रखने में, क्योंकि तुम आईपीसीसी या इंटर लेवल के स्टूडेंट हो, तुम्हें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, तुम्हें वर्किंग नॉलेज चाहिए। अगर तुम आईसीआई के मॉड्यूल का प्रीफेस देखोगे ना, उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि आपको क्या चाहिए? वर्किंग नॉलेज। ये चीज कह रहे हैं? तो एक्सपर्टाइज नॉलेज आपसे कब उम्मीद करती है इंस्टीट्यूट? फाइनल में। ये चीज कह रहे हैं? तो सीए फाइनल में
उम्मीद करती है। गलत लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, तो अननेसेसरली ज्यादा चमकाने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें तुम चमका पाओ उतने पे ही रिस्ट्रिक्ट रखना अपना। कह रहे चलो, तो हम सबसे पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ जल्दी से, इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सा है सेक्शन है? सेक्शन 15 से 17। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स 45 से 55। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 से 59। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से 44। तो थोड़ा ध्यान रखें वर्ड टोन्स पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम कौन से चैप्टर से, हमारा हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो दोस्त, यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब यहाँ पे कौन होगा? दो लोग होंगे। पहला एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब वो पर्सन जो काम करवा रहा है, एम्प्लॉय मतलब जो उस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके एंगल से पढ़ना है, एम्प्लॉयर के कि एम्प्लॉय के? एम्प्लॉय के, क्यों? हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है। तो आज आपने देखा दुबे अंकल मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, दुर्गा मैम मेरे यहाँ काम कर रही है, हर महीने मैं उन्हें क्या पे कर रहा हूँ? सैलरी पे कर रहा हूँ। तो उनके हाथ में वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होने वाली है? सैलरी में टैक्सेबल होने वाली है। ये चीज क्लियर है? तो सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड इनकम इज टैक्सेबल अंडर दी सैलरी इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी पेयर एंड पे। तो पेयर और पे के बीच में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी में। ये चीज क्लियर है? हाँ। अब कई बार ना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पेमेंट तो हो रही है लेकिन रिलेशनशिप है कि नहीं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे कुछ जवाब देते जाना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ, मान लो दिशा इंटरनेशनल कॉलेज, ठीक है, मैं कॉलेज में एज प्रोफेसर अपॉइंटेड हूँ, वहां पर भी मैं टैक्स पढ़ाता हूँ। मुझे उस कॉलेज से हर महीने मुझे क्या मिल रही है? पैसा मिल रहा है, हर महीने पैसा मिल रहा है, मान लो 25,000 रुपये महीना, तो 12 महीनों का 3,00,000 रुपये। मेरे को बताओ वो इनकम मेरे हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? बोलो, वो 3,00,000 रुपये मेरे हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? हर महीने मेरे को, अरे दोस्तों बताओ ना, हर महीने मैं वहां जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मैं लेक्चरर के रूप में अपॉइंटेड हूँ, तो मेरे लिए हाथ में इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? बोलो, सैलरी में कि पीजीबीपी में? अब देखो तुम कंफ्यूज हो गए, सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब है, दोस्त सैलरी में टैक्सेबल होगी। सर आप तो सीए हो, सीए हो प्रोफेशन है, अरे प्रोफेशन गया तेल लेने, मैं उसके यहाँ गया कैसे? अपॉइंटेड हूँ एज एन एम्प्लॉई अपॉइंटेड हूँ। अगर मैं एज एन एम्प्लॉई अपॉइंटेड हूँ तो मेरे हाथ में वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी में टैक्सेबल होगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं अगर मान लो वहां पे गेस्ट लेक्चर लेने जाता, हर महीने नहीं जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर लेने जाता हूँ, कुछ जीएसटी के टॉपिक्स आए, उसके लिए लेक्चर लिया, उनने उसके लिए क्या दिया मुझे? पेमेंट किया। तो फिर वो मेरे लिए सैलरी नहीं है, क्योंकि वहां पे रिलेशन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं है। तुम समझे बात को कि नहीं समझे? क्लियर हुआ माइंड में कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सीधा सीधा है, अगर मैं वहां काम करने जा रहा हूँ, हर महीने मेरे को पेमेंट मिल रही है और ऐसा लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ, इवन तो मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, कोई भी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा प्रोफेशन ये नहीं देखा जाएगा कि सर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसलिए आपके हाथ में वो इनकम प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी? नहीं दोस्त, नहीं। ऐसे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, आप भी कल के रोज फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप भी कोई कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो कंपनी आपको क्या देने वाली है? हर महीने सैलरी देने वाली है, तो आपके हाथ में वो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में टैक्सेबल होगा। ये चीज समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो एज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप है। आपने अपना ऑफिस डाला और आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर आपके हाथ में वो कहाँ टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ऐसे कई डॉक्टर्स होते हैं जो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, रामकृष्ण हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो स्पेशली कोई ट्रीटमेंट मतलब कोई सर्जरी करने आए और अपनी सेवाओं के बदले पैसा लिया, तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप हो गया। लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो 24 घंटे वहीं रहते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप हो गया। तो वहां पे टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? एज सैलरी उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। बोलो आया नहीं आया? यस और नो? पक्का? अच्छा मुझे बताओ, दिशा इंटरनेशनल कॉलेज ने मुझे अपॉइंट कर रखा है लेक्चरर, मेरे को हर महीने पेमेंट मिल रही है मेरे हाथ में, वो सैलरी में टैक्सेबल है। मेरे को यूनिवर्सिटी से ऑफर आया कि सर इस बार का टैक्स का पेपर आप सेट कीजिएगा, और उस मैंने पेपर सेट करके यूनिवर्सिटी को दे दिया और मेरे को यूनिवर्सिटी वालों ने 50,000 रुपये दिए। बोलो वो 50,000 रुपये मेरे हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होंगे? क्या वो मेरे हाथ में सैलरी में टैक्सेबल होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? यूनिवर्सिटी। क्या वो मेरा मालिक है? मालिक होना जरूरी है। वो मेरा पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है।
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी. बोलो आया क्लियर है? ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं. मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ गया, मैं आपसे यही पूछा चाहता हूं. चलो मुझे बताना, अगर मैं चलो तो मेरे को एग्जाम्पल याद आ गया, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स हम इलेक्ट करते हैं उन्हें, अभी इलेक्शन आ रहा है, मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, हम जाएंगे वोट डालेंगे और मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, हर महीने उन्हें भी कुछ पैसा मिलता है. सवाल ये है उनके हाथ में वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? बोलो, उनके हाथ में क्या वो सैलरी इनकम है? इवन तो हम उन्हें पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं लेकिन वो उनके हाथ में सैलरी इनकम नहीं है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस में. बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो फिर दूसरा आगे बढ़ जाते हैं. तो एक इनकम सैलरी एडमिट कब टैक्सेबल होगी? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, सॉरी पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा. क्लियर है? सवाल है दूसरा, टैक्सेबल कैसे होगी? तो सेक्शन 15 बताता है ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर. क्या बोला? ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हो जाए. सर ड्यू बेसिस मतलब क्या हुआ? ड्यू बेसिस मतलब मान लो कोई मेरे यहाँ स्टाफ है जो 12 महीनों से काम कर रहा है लेकिन मैंने वो अभी तक उसे सिर्फ 9 महीनों की ही सैलरी दी है, तो फिर उसको टैक्स कितने पे लगेगा? 12 महीने. क्यों? क्योंकि वो 12 महीने मेरे यहाँ काम कर चुका है, उसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है. भाई सैलरी ड्यू कब मानी जाएगी? जब मेरे यहाँ स्टाफ आके क्या कर रहा है? काम कर रहा है. और भाई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर महीने की लास्ट डे या अगले महीने की पहली तारीख को तुम्हारी सैलरी क्या हो जाएगी? ड्यू हो जाएगी. तो तुमने जो महीने भर में काम किया है उसका पेमेंट मिलने का अधिकार आ जाता है तुम्हारे पास, या 30 तारीख को उस महीने की 30 मतलब लास्ट डे 30 या 31 या अगले महीने की पहली तारीख को. ये चीज क्लियर है? तो ड्यू या रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर. तो अगर 12 महीने कोई स्टाफ मेरे यहाँ काम कर रखा है और मैंने उन्हें 9 महीनों की सैलरी दी है तो 9 महीनों पे टैक्स नहीं देना है, उस एम्प्लॉय को पूरे 12 महीनों पे टैक्स देना है. सर ये तो गलत है, नहीं है ना दोस्त? जब अगले महीने अगले साल उसे 15 महीनों की सैलरी मिलेगी, 15 महीने कैसे? अगले साल उसके उस साल के 12 महीने और पिछले साल के 3 महीने, तो टोटल कितने हो गए? 15 महीने. तो क्या फिर उसे 15 महीनों पे टैक्स देना है? नहीं, 15 महीनों में टैक्स नहीं देना क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले ही 3 महीनों पे टैक्स दे चुका है. ये चीज समझ में आया? क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सिस्टम रखा है ड्यू या रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर. दोस्त इसमें अगर मान लीजिए कोई स्टाफ है मेरे यहाँ और वो 12 महीनों से काम कर रहा है और 2 महीने का एडवांस ले गया, 12 महीनों का तो पैसा ले ही गया, 2 महीने का एडवांस में पैसा ले गया, फिर क्या होगा? इस साल उसके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? पूरे 14 महीने की सैलरी. क्यों? क्योंकि रिसिप्ट पहले हो गया ना, उन 2 महीनों का ड्यू बाद में होगा लेकिन रिसिप्ट पहले हो गया, इसलिए वो अमाउंट कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में ही इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 14 महीनों का. बोलो आया कि नहीं आया? पक्के से क्लियर है? कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखो, देखना चाहता हूं आपको कितना समझ में आया. देखे एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ कंपनी, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ कंपनी गेटिंग सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ, getting salary of 50,000 rupees per month from 1st April, from 1st April 2018, from 1st April 2018, full stop. Calculate his income taxable, calculate his income taxable in the year 1819, in the year 1819, if case 1, salary is due on the last day of each month, salary is due on the last day of each month. Case 2, salary is due on the first day of next month, salary is due on the first day of next month. Line change karke, also assume that payment is received, also assume that payment is received, also assume that payment is received on 5th of next month, on 5th of next month. हो गया? पहले साल में कितना टैक्सेबल होगा? 5 लाख पहले केस में. और दूसरे केस में? फर्स्ट केस का आंसर 5,50,000. अब देखो इतना बेसिक सा सवाल है,
पहला सवाल एकदम बेसिक सा है, कई लोगों का पहले केस का आंसर 6 लाख है, कईयों का 5 लाख 50 हजार। तो आपको समझना है ना दोस्त, कहीं पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको क्वेश्चन में आ गई तो आप हिल जाएंगे वहां पे, क्योंकि यही पॉइंट आपको हिलाएंगे। बाकी तो आपको प्रोविजन, बहुत सारे लोगों को प्रोविजन याद रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी प्रोविजन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो याद नहीं रहता। मैं आपसे सिंपल बोलता हूँ, रटना नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से समझो। ये मेरा साल है, ये मेरा साल है। अच्छा, प्रीवियस ईयर हमेशा चालू कब होता है ये पता है ना? अगर चालू होता है कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल, मतलब हमेशा खत्म होने की तारीख बताई है टैक्स ने, 31 मार्च। तो अगर मेरा ईयर 1819 है तो मेरा ईयर चालू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को, और खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2019 को। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अप्रैल महीने में काम किया, सर्विसेज हमने दी अप्रैल महीने में, प्लीज ध्यान से देखो, सर्विसेज रेंडर्ड हमने अप्रैल महीने में सेवाएं दी। किसने सेवाएं दी? एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय कौन? मिस्टर एक्स। अब इसका ड्यू कब हो रहा है? फर्स्ट केस में ड्यू कब हो रहा है? इन सेवाओं का पैसा कब मिलेगा? ड्यू हो गया है 30 अप्रैल को, ड्यू हो गया है 30 अप्रैल को। अच्छा, इसका पेमेंट कब उसको मिलने वाला है? पेमेंट रिसिप्ट कब होने वाली है? मैं इसको पेमेंट बोल रहा हूँ, इसे अच्छा रिसिप्ट वर्ड बोल देता हूँ। रिसिप्ट कब होगा इसका? 5 मई को। अब आप मुझे बताओ, मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी? बोलो, टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब अप्रैल का महीना, अप्रैल में ही 30 अप्रैल को ही क्या हो जाएगा टैक्सेबल, आया कि नहीं आया? अब आप बताओ, मई में मेरे को उसने सेवाएं दी, मालिक मेरे एम्प्लॉय ने, तो बताओ 30 मई को सेवाएं की, ड्यू कब होगा? फर्स्ट केस में 31 मई को। रिसिप्ट कब होगा? 5 जून को। अच्छा बताओ, तो मई का पैसा, मई में जो सेवाएं दे रहे हैं उसका टैक्सेबिलिटी कब हो जाएगी? मई में ही टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ जून की सेवाओं का कब होगा? 30 जून, 30 जून। पैसा कब मिलेगा? 5 जुलाई। तो जून का पैसा, जून की सर्विसेज का पैसा कहाँ टैक्सेबल हो गया? जून में। वैसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। बताओ जनवरी का, जनवरी का कब मिल रहा है? ड्यू कब होगा? 31 जनवरी। पैसा कब मिलेगा? 5 फरवरी। तो बताओ टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी? जनवरी में ही अराइज होगी, मतलब जनवरी में जो मैंने सेवाएं दी उसका पैसा कब टैक्सेबल होगा? जनवरी में। वैसे ही फरवरी महीने की बात करूं, फरवरी महीने में 28 फरवरी को ड्यू हो जाएगा, 5 मार्च को पैसा आएगा। तो यहाँ पे फरवरी महीनों का फरवरी में टैक्सेबल, और मार्च में जो सेवाएं दी वो 31 मार्च को क्या हो जानी है? ड्यू। 5 अप्रैल को पैसा है, तो इसका मतलब मार्च में ही हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझो दोस्त, आज अप्रैल का पैसा अप्रैल में ही टैक्सेबल है, मई का पैसा मई में, जून का मई, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में। तो यहाँ पे आपको जब टैक्सेबिलिटी की बात करूँ तो हमारा अप्रैल से मार्च ही तो लेना है हमें ईयर, तो अप्रैल से मार्च मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ? 12 महीनों का टैक्सेबल होगा। तो 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो 50,000 × 12 कितना हो गया? 6 लाख। तो फर्स्ट केस का आंसर कितना है? 6 लाख। आया कि नहीं आया? क्योंकि जिस महीने आप सेवाएं दे रहे हैं उसी महीने वो टैक्सेबल हो रहा है। तो अप्रैल में आप सेवाएं दी, अप्रैल में ही टैक्सेबल हुआ, मई में सेवाएं दी, मई में ही टैक्सेबल हुआ। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है हम यही मानते हुए चलते हैं कि ड्यू कब हुआ है? फर्स्ट डे हुआ है, मतलब सॉरी लास्ट डे ऑफ द मंथ हुआ है, मतलब फर्स्ट केस को मानते हैं। ये चीज क्लियर है? लेकिन अगर मान लो सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में ड्यू कब होगा? अप्रैल में जो सेवाएं दी है उसका कब ड्यू होने वाला है? 1 मई को। अप्रैल में जो भी सेवाएं दी उसका पेमेंट कब ड्यू होगा? 1 मई को। तो 1 मई या 5 मई, विच एवर इज अर्लियर, मतलब कौन सा? मई में ही आएगा टैक्सेबिलिटी। आया? वैसे बताओ मई का कब ड्यू होगा? 1 जून। 1 जून और 5 जून, विच एवर इज अर्लियर, 5 जून। जून का पैसा कब टैक्सेबल होगा? 1 जुलाई। तो यहाँ पे जून वाला सेवाओं पे टैक्स कब देना है? जुलाई में। वैसे बताओ जनवरी में अगर हो रहा है तो बताओ वो कब टैक्सेबल होगा? 1 फरवरी। और 1 फरवरी में टैक्सेबल होगा, तो जनवरी के पे, जनवरी में जो सेवाएं दे रखी है उस पे टैक्स कब देना है? फरवरी में। और फरवरी का 1 मार्च, 1 मार्च और 5 मार्च, विचेवर इज अर्लियर मार्च। और जो मार्च में सेवाएं दी है उसका कब होगा? 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल मतलब यहाँ पे अप्रैल आएगा, लेकिन दोस्त क्या अप्रैल इस महीने, इस साल आएगा? जो भी टैक्सेबिलिटी अगर अप्रैल में अराइज हो रही है तो उस केस में वो अगले साल चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कायदे से देखा जाए, आप नो डाउट, आपने काम, अगर मैं बोलूँ ना आपने काम कितने साल किया है, आपने पूरे 12 महीने काम किए, इस साल आपने पूरे 12 महीने ही काम किए, अरे अप्रैल से आप काम कर रहे हो, इस साल आप अप्रैल से मार्च तक के आपने काम किया है, सेवाएं देखो आपने अप्रैल से मार्च तक की दे रखी है, 12 महीने काम किया, लेकिन इस साल टैक्सेबल सिर्फ
11 महीनों का ही पैसा होगा, 11 महीनों का ही पैसा होगा। देख लो, मई से काउंटिंग चालू करो मार्च तक की, तो कितने महीने हुए? 11 महीने हुए। तो भले ही आपने सेवाएं 12 महीने की दी है, लेकिन टैक्सेबल केवल 11 महीने होगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि पेमेंट कब ड्यू हो रहा है? पेमेंट ड्यू हो रहा है, पेमेंट तो 5 तारीख को हो रहा है, लेकिन ड्यू कब हो रहा है? नेक्स्ट मंथ में। ये चीज समझ में आया? तो ड्यू का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो सेकंड केस में आंसर कितना होगा? 50,000 इंटू 11 कितना हुआ? 550,000। तो सेकंड केस का आंसर 550,000 होगा। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब फर्स्ट केस में अगर लास्ट डे ड्यू हो रहा है तो अप्रैल से मार्च का महीना लेंगे हम, लेकिन अगर मैं बात करूं किस वाली, जब ड्यू ऑन दी नेक्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे होता है, तो वहां पे आप मार्च से फरवरी लेते हो। आप क्या लेते हो? आप मार्च से फरवरी। देखो, अगले साल जो मार्च 19 का पैसा है वो टैक्सेबल कब हो रहा है? अप्रैल 19 में। तो मार्च से जो जो सेवाएं आपने मार्च 19 से फरवरी 20 तक के दिए होंगी, उन 12 महीनों का टैक्सेबल कब होगा? 19-20 में। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? क्लियर हुआ? चलो, तो यहां पे बात हमने पहले ही कंप्लीट कर ली कि भाई सैलरी जो होती है वो सेक्शन 15 में चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 15, और वहां पे टैक्सेबिलिटी कब अराइज होती है? टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है? ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये चीज क्लियर है? चलो, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटेशन। भाई सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे होता है? तो सैलरी का कंप्यूटेशन होता है, सबसे पहले आप ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हो? ग्रॉस सैलरी निकालते हो बेसिक सैलरी प्लस उसमें क्या करते हो, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस टैक्सेबल परक्विजिट प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड प्लस इंटरेस्ट, तो इन सबको ऐड करते हो, तब जाके क्या आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ये चीज क्लियर है? तो ग्रॉस सैलरी निकालना है तो आपको 4-5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले बेसिक सैलरी मिलेगी, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा परक्विजिट, चौथा रिटायरमेंट बेनिफिट, लास्ट में एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की बात है। क्लियर है? और इन चारों बातों को अगर हमने समझ लिया, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट और एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। ये चीज क्लियर है? तो इन 4-5 बातों में क्या क्या चीजें आती है वो समझना है। तो बताओ फॉर्मेट क्या है सैलरी का? सबसे पहले ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? बेसिक सैलरी लेंगे प्लस सारे अलाउंसेस ले लेंगे टैक्सेबल प्लस टैक्सेबल परक्विजिट प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, इन सबको ऐड किया ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में से आप 3 डिडक्शन लेस करते हो। सर अभी तक के तो हमने पिछले आइटम में 2 ही भरे थे, यही तो बात है, इस आइटम में एक नया डिडक्शन जुड़ गया। ये फाइनेंस एक्ट 2018 की देन है। फाइनेंस एक्ट 2018 ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले आया, कितने का? 40,000 का। तो फाइनेंस एक्ट 2018 बोलता है कि भाई अब आपको क्या मिला करेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करेगा हर एम्प्लॉय को, मैक्सिमम 40,000 है। ये चीज क्लियर है? तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 32 है तो मैक्सिमम 32 मिलेगा, आपकी ग्रॉस सैलरी 72 है तो 72 में से 40 माइनस हो जाएगा, बैलेंस पे 32 पे इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ पक्के से? तो सबसे पहले आप कुछ मत लिखो प्लीज, फिर से बोल रहा हूं, आप सिर्फ फोकस करो, आप मेरे सुनने आए हैं, लिखने नहीं आए। ये चीज क्लियर है? लिखना है वो मैं सब लिखवा दूंगा आपको। क्लियर है? तो सबसे पहले बताइए बेसिक क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? बेसिक सैलरी, उसमें क्या किया? टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड किया है, फिर टैक्सेबल परक्विजिट्स ऐड किए, फिर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऐड किया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड किए, फिर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऐड किया, उन सबको ऐड किया, ग्रॉस सैलरी आया। ग्रॉस सैलरी में से 3 चीजें माइनस होगी, 3 डिडक्शंस लेस होंगे। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16IA। देखो अब फॉर्मेट पहले बन गया था, पहले क्या था? 2 और 3 होता था। ये चीज क्लियर है? अब 1 भी आ गया, आई ए, और ए से अमेंडमेंट याद रख लेना। तो सेक्शन 16 सब क्लॉज है वैसे, ये सेक्शन 16 क्लॉज आई ए। तो सेक्शन 16 क्लॉज आई ए किसको बोल रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? अप टू 40,000। ये चीज क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 चीजें और लेस करते हैं। एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही मिलता है। ये चीज क्लियर है? और तीसरा क्या है? प्रोफेशनल टैक्सेस, या इसी को ही टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं आप। ये तीनों लेस करने के बाद जो आता है वो क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो आया? क्लियर है? सर इसके अलावा कोई और खर्चे लेस करने देती है गवर्नमेंट? कोई और खर्चे लेस नहीं करने देगी, बस यही खर्चे हैं, यही 3 डिडक्शन है जो आपको हाथ में मतलब डिडक्शन के रूप में मिलते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं मिलेंगे। बोलो आया? क्लियर है? तो सवाल है कि भाई सबसे पहले बेसिक सैलरी तो हम सब जानते हैं क्या होता है, ये चीज क्लियर है? तो कायदे से अगर मैं बताऊं तो हमारा ना सैलरी का अप्रोच, पढ़ने का अप्रोच कैसे रहेगा वो पहले समझ लेते हैं, या राधा मैं यहीं पे डायग्राम यहीं पे बना देता हूं तो और अच्छा। भाई सैलरी पढ़ने का अप्रोच कैसा रहेगा? हम सब देखो सैलरी में, सैलरी पढ़ने का एक अप्रोच होता है,
तो हम कैसे बढ़ने वाले हैं भाई? सबसे पहले हम सैलरी में देखेंगे अलाउंसेस को लेके, हम बात किसकी करेंगे? अलाउंसेस को लेके, कि अलाउंसेस क्या होते हैं। फिर दूसरी बात रहेगी परक्विजिट्स को लेके, परक्विजिट्स क्या होते हैं, परक्विजिट्स। फिर तीसरी बात जो हमारी बैठेगी वो रहेगी रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और लास्ट बात जो रहेगी वो रहेगी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड को लेके, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड को लेके। ये चीज क्लियर है? तो ये मेजर यही सारे पोर्शंस हैं जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी में कवर करेंगे। तो सैलरी में अगर मैं बात करूं तो एक अलाउंसेस की बातें होने वाली है, एक परक्विजिट्स की बातें होने वाली है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बातें होने वाली है, एक एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की बातें होने वाली है। ये चीज कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम किसके और लेके